हे गाइस, वेलकम टू ब्रो ऑटोमोटिव। मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित। आपने हमारे वीडियोस में बहुत बार हमारे प्रीमियम सर्विसेज देखे होंगे, जैसे पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स, सिरेमिक कोटिंग एंड फुल का पेंट जॉब्स। आज मैं आपको हमारे आउटलेट की सबसे बेसिक सर्विस के बारे में बताने वाला हूं, जो कि होने वाली है प्रीमियम वॉश की। ज़्यादातर वॉशिंग सेंटर्स पे आपने 300-400 रुपए के तो बहुत सारे वॉशेस करवाए भी होंगे और देखे भी होंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा प्रीमियम वॉश। इसका एवरेज कॉस्टिंग 1500 से 2000 रुपए के बीच में आता है और इसे करने में हमें करीबन 2 घंटे लगते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम गाड़ी को वॉश करते हैं तो हम किस तरीके के प्रिकॉशंस लेते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं ताकि गाड़ी पर स्वेल मार्क्स ना आए और गाड़ी का ग्लॉस बना रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी जो हम गाड़ी पर सबसे पहला एप्लीकेशन कर रहे हैं वो है टचलेस शैम्पू का। यूजुअली जब गाड़ी पर शैम्पू लगाया जाता है तो मिट्टी हटाने के लिए मिटन का यूज किया जाता है ताकि डस्ट को सारा लिफ्ट किया जा सके मिटन में। बट क्योंकि ये गाड़ी पर बहुत ज्यादा मिट्टी थी, टचलेस शैम्पू हेल्प करेगा जो इनिशियल बहुत ज्यादा मिट्टी और गंदगी सरफेस पे बैठी हुई है उसको सरफेस से छुड़वाने में। एक बार अच्छे से प्रेशर वॉश करने के बाद मेजॉरिटी मिट्टी जब सरफेस से हट जाएगी उसके बाद हम गाड़ी को वापस शैम्पूइंग करेंगे। इसे टचलेस शैम्पू इसलिए बोला जाता है क्योंकि सरफेस से सारी मिट्टी ये खुद ब खुद उतार देता है। हमें ना मिटन की ना किसी और स्पंज की जरूरत पड़ती है मिट्टी को सरफेस से हटाने के लिए। एंड ये काफी यूजफुल है क्योंकि हम सरफेस पर इनिशियली किसी भी तरीके का फ्रिक्शन पैदा नहीं कर रहे हैं, रब नहीं कर रहे हैं, तो गाड़ी पर स्वेल मार्क्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि सरफेस को बिना किसी तरीके से हाथ लगाए हुए भी अभी सरफेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुका है। टचलेस शैम्पू का यही सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है। और जब हम प्रोफेशनल तरीके से गाड़ी को धोते हैं तो ये पहला स्टेप है जो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब जहाँ पर टचलेस शैम्पू का फ़ायदा है वहाँ पर इसका एक डाउनसाइड है, इसे धूप में यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और गाड़ी पर हम इसे ड्राई नहीं होने दे सकते। अगला स्टेप जो हम फॉलो करने वाले हैं वो है गाड़ी पर हम रेगुलर हाई ग्लॉस शैम्पू का एप्लीकेशन करने वाले हैं। इसके बाद हम मिटन से अच्छे से शैम्पू फैला लेंगे और जो फाइनल सारी गंदगी सरफेस पे है उसे उतार देंगे। अभी हम गाड़ी पर क्ले यूज करके सरफेस के सारे डीकंटामिनेंट्स हटा रहे हैं। यूजुअली जो बड़ी बड़ी मिट्टी के दाने होते हैं वो सरफेस के ऊपर बैठते हैं, तो शैम्पू के एप्लीकेशन से या फिर पोछने से भी वो निकल जाते हैं। बट जो माइनर डर्ट पार्टिकल्स होते हैं और जो चिपचिपी ग्राइम रहती है जो सरफेस पे जाके चिपक जाती है या पेंट के पोर्स के अंदर जाके बैठ जाती है वो नॉर्मली वॉशिंग से नहीं निकलती। वहां पर क्ले हेल्प करता है क्योंकि क्ले चिपचिपा होता है तो पेंट के पोर्स के अंदर जितनी भी गंदगी होती है ये उसे पकड़ लेता है और सरफेस को बहुत स्मूथ बना देता है। यूजुअली क्ले करने से पहले हम गाड़ी पर से टार रिमूवल भी करते हैं और उसके साथ ही साथ अलॉय व्हील्स पे जो आयरन डिपॉजिट्स हो जाते हैं ब्रेक डस्ट की वजह से उसे भी क्लीन करते हैं। बट इस गाड़ी पर हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि गाड़ी रिलेटिवली न्यू थी, ना इस पे बॉडी पर कहीं पर टार मार्क्स थे और ना इसके व्हील पे आयरन डिपॉजिट। गाड़ी का एक्सटीरियर वॉशिंग हो जाने के बाद और गाड़ी को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेने के बाद
जितने भी एक्सटीरियर नॉन पेंटेड प्लास्टिक ट्रिम्स हैं उन पर हम ड्रेसिंग अप्लाई कर देते हैं। अब प्रॉब्लम विद एज क्या होता है, ये जितने नॉन पेंटेड प्लास्टिक्स हैं ये डल हो जाते हैं या फिर व्हाइट पड़ जाते हैं, तो ड्रेसिंग का यूज करने से इसे थोड़ा सा यूवी प्रोटेक्शन मिलता है जिसकी वजह से ये इजिली व्हाइट नहीं पड़ता। अब ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है और टाइमली करवा लेनी चाहिए। अगर ड्रेसिंग से फर्क ना पड़े तो हमारे पास और भी ऑप्शंस रहते हैं नॉन पेंटेड प्लास्टिक्स को रिस्टोर करने के लिए। हमारे प्रीमियम वॉश पैकेज में जब हम इंटीरियर की बात करते हैं तो जितना भी कार्पेट एरिया, मैट्स या सीट्स रहती हैं उनको हम अच्छे से वैक्यूम कर लेते हैं, मैट्स को हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। इसके अलावा जो इंटीरियर ट्रिम्स हैं सारी उन पर हम एक बार अच्छे से क्लीनर एंड माइक्रोफाइबर से क्लीनिंग कर लेते हैं ताकि जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी और गंदगी बैठी है वो क्लियर हो जाए। अब ये बेसिकली डस्ट एक्सट्रैक्शन के लिए है, ये डिटेल्ड इंटीरियर क्लीनिंग नहीं है। डिटेल्ड इंटीरियर क्लीनिंग में जो भी सरफेस पे मिट्टी और गंदगी चिपकी हुई है वो सारी निकल जाती है। यहाँ पर जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो धूल हटाने के लिए है। हम गाड़ी के सारे ग्लासेस भी अच्छे तरीके से ग्लास क्लीनर से क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इंजन क्लीन करके वहाँ पर भी जो है ड्रेसिंग लगा देते हैं ताकि इंजन भी नए जैसा दिखे। इसके बाद गाड़ी के अंदर जितने इंटीरियर ट्रिम्स हैं उन पर भी हम ड्रेसिंग एप्लीकेशन कर देते हैं। डैशबोर्ड, डो पैनल्स और सारे प्लास्टिक्स पर ड्रेसिंग अप्लाई की जाती है। अब ये ड्रेसिंग यूजुअली डार्क कलर्ड प्लास्टिक्स के लिए अप्लाई की जाती है, तो अगर इंटीरियर का कलर डार्क ब्राउन या ब्लैक है तो ये ड्रेसिंग काम में आती है, बट बेज इंटीरियर पे ये ड्रेसिंग ज्यादा काम नहीं करती। इंटीरियर के लिए जो लास्ट ट्रीटमेंट बचा है वो है ओजोन एयर प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट। जो गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन होता है उसको ये O3 में कन्वर्ट कर लेता है। जितना भी गाड़ी के इंटीरियर में विद टाइम यूजेज के साथ गाड़ी के अंदर खाना खाने की वजह से जो भी स्मेल आ जाती है या फिर जब हम बार बार परफ्यूम यूज करते हैं तो उसकी भी एक हैवी स्मेल गाड़ी के इंटीरियर में रह जाती है, ये ओजोन ट्रीटमेंट वो सारी स्मेल्स को नेगेट कर देता है, हटा देता है, तो गाड़ी का इंटीरियर जो है वो काफी न्यूट्रल स्मेल करने लगता है। इसके बाद एक्सटीरियर में जो फाइनल स्टेप बचा है वो है वैक्स एप्लीकेशन। एक बार स्प्रे वैक्स लगा के अच्छे से हम एक्सटीरियर को भी वाइप डाउन कर लेंगे ताकि जो गाड़ी का ग्लॉस है वो बना रहे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू ट्यून इन टू ब्रोटोमोटिव नेक्स्ट टाइम।